सत श्री अकाल सारे नू, होप सो सब वधिया ही होगे। मेरा नाम सिमरन है, मैंने चंगी जी पंजाबी बोली नहीं आती है, तो ये वीडियो हिंदी इंग्लिश में ही होने वाली है, जैसे कि और वीडियोस मेरी होती हैं। सो ये पंजाबी लुक है, लोहड़ी के लिए क्रिएट कर रहे हैं हम, तो इसलिए मैंने थोड़ा स्टार्टिंग की कि मैं पंजाबी से स्टार्ट करूँ, पंजाबी बोलूँ। मैं सोच तो रही थी कि मैं पूरी वीडियो ट्यूटोरियल अपना पूरा पंजाबी में ही करूँ, बट नॉट पॉसिबल। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग विद ग्रैंडियर अर्गन ऑयल। सर्दियों में ना हमारी स्किन बहुत ड्राई होती है, जिसके लिए हमें उसे ऑयली करने के लिए कुछ ऑयल बेस्ड कुछ यूज़ करना होता है। Now coming to the primer, I am going to use Huda Beauty primer. प्राइमर से हमारे स्किन में कुछ पोर्स वगैरह नहीं होते हैं, मतलब ये हमारे फेस पे एक लेयर क्रिएट कर देता है, जिससे हमारे जो फाउंडेशन या बेस होता है वो हमारे स्किन के अंदर नहीं जाता। After that, I'm going to use Kryolan TV Paint Stick Palette and orange shade to hide my marks, pimples and wherever I feel pigmentation. Using with this brush, now blending with this beauty blender. ऑरेंज शेड को सिर्फ वहीं पे ब्लेंड करना है जहाँ पे हमने लगाया है, उसे पूरे फेस पे नहीं ब्लेंड करना, मतलब पूरे फेस पे फैलाना नहीं है। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस शेड अगेन विद दिस ब्रश। इसे मैं अपनी आईलिड पे भी लगाऊंगी। नाउ ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग एंड ब्लेंडिंग। मैं ये जो ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, ये मैं पहले गीला करके अच्छे से निचोड़ चुकी हूँ, तो मतलब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये सिर्फ नाम नाम का वेट है। अगर हम ड्राई यूज़ करेंगे ना, तो उससे ब्लेंड नहीं होगा, वो प्रोडक्ट अपने ब्लेंडर पे ही ले लेगा, और ज़्यादा वेट करेंगे तो भी वो ब्लेंडर सोख लेगा सारा प्रोडक्ट, फेस पे फिर कुछ बचेगा ही नहीं।
Today I am not going to use any foundation, so मैं base use कर रही हूँ जो मैं ले रही हूँ Kryolan का Supra color, इसे भी मैं इसी brush की help से अपने face पर apply करूँगी। And then again blending with beauty blender. इसे blend मैं अपने पूरे face पे करूंगी। तो इस पूरे बेस को लॉक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ Kryolan का फेस पाउडर। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्मॉल फ्लफी ब्रश, क्योंकि सबसे पहले क्रीज जो पड़ती है हमारी आईज और अंडर आईज पे पड़ती है। अब आईज को हम ऐसे लॉक नहीं करेंगे, पहले आईज में पहले हम चेक करेंगे कि कोई क्रीज तो नहीं बनी है। जैसे कि ये देख सकते हो मेरी आईज में ये क्रीज बन चुकी है, देखो लाइंस दिख रही है ना ये। अब अगर हम ऐसे ही लॉक कर देंगे ना, ये ऐसे की ऐसी रह जाएंगी, जिससे पूरा फेस ख़राब लगेगा, पूरा मेकअप आई मेकअप जो है वो फ्लॉलेस नहीं लगेगा, बिल्कुल ख़राब लगेगा। तो ये इन क्रीज को ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। ब्लेंड पहले, फिर पाउडरिंग करने से पहले हमेशा ब्लेंड करेंगे देन पाउडरिंग। तो ब्लेंड कर लेते हैं। अब जैसे गायब हो गई है ना, तो अब आंख बंद रखे रखी पाउडरिंग कर देंगे। गई ना, ऐसे ही अपनी दूसरी आई लिड पे भी करेंगे। अब आ जाते हैं पाउडर कंटोरिंग ब्लशर प्लस हाइलाइटर पे, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल की दिस पैलेट 3-in-1। कंटोरिंग के लिए मैं ले रही हूँ ये शेड, यानी कि ब्राउनिश शेड। विद दिस टाइप ऑफ ब्रश पहले एक्सेस कलर है ना जो, उसको पहले डस्ट ऑफ कर लेंगे। अपनी चिन भी करेंगे। हम कंटोरिंग करते क्यों हैं? ताकि हमारे फेस को एक स्ट्रक्चर मिले, राइट? तो अपने फेस को एक स्ट्रक्चर देने के लिए हमेशा हम कंटोरिंग करते हैं। अब आ जाते हैं ब्लशर पे। ब्लशर के लिए मैं ले रही है पिंकिश शेड with this type of fluffy brush.
हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये शेड विद फैन ब्रश। अपने क्यूपिड बो को, अपनी चिन, अपने जो चीक्स के ऊपर वाला एरिया होता है उसको, और अपना फोरहेड। अब मैं ले रही हूँ दिस टाइप ऑफ ब्रश, इस तरह का, और हाइलाइटर ही ले रही हूँ और अपने ब्राउ बोन पे लगा रही हूँ। अब आ जाते हैं आई मेकअप पे, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मॉर्फी की जैकलिन हिल पैलेट। तो सबसे पहले हम करते हैं अपनी आईब्रोज। आईब्रोज के लिए मैं एक ले रही हूँ स्पूली और इस तरह का एक शेप्ड ब्रश, यानी कि एंगुलर ब्रश। और आईब्रोज के लिए मैं डार्क ब्राउन और ब्लैक शेड को मिक्स करके यूज़ करूँगी। अगर मैं खाली ब्लैक यूज़ करूँगी तो आईब्रोज फेक लगेंगी। खाली ब्राउन फिर भी यूज़ किया जा सकता है, बट खाली ब्लैक यूज़ करूँगी तो फेक लगेंगी, जो कि मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं फिल करने से पहले ना अपने आईब्रोज को ऊपर की तरफ काम कर लूँगी स्पूली की हेल्प से, और इसके गैप फिल करूंगी। फिर मेरी आईब्रोज पहले से ही थिक हैं, तो मुझे इन्हें ज़्यादा शेप देने की या ज़्यादा फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब दोबारा स्पूली की हेल्प से कॉम कर दूंगी ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। So after doing this, I'm going to take this type of fluffy brush and these two shades for my crease and transition area. और blending हमेशा पीछे से start करनी है इन सर्कुलर मोशन। मैं ले रही एक स्मॉल टेपर्ड ब्रश और ये वाला ब्लू शेड, ये जो ये एरिया है, मतलब हाफ ऑफ द आईलिड बच गया है, इस पर लगा रही हूँ। बहुत ही कंट्रोल तरीके से मैं अपना ब्रश चलाऊंगी। अपनी क्रीज तक लेके जाऊंगी, क्रीज में ब्लेंड करूंगी।
अपनी दूसरी आईलिड पे भी ऐसी करूंगी। अगेन मैं आ रही हूँ अपने पहले वाली ब्रश पे और अपनी क्रीज में जो हमने ब्लू कलर प्लेस किया है इसको और अपनी क्रीज को दोनों को साथ में ब्लेंड करेंगे ताकि अलग अलग ना लगे। अब मैं ले रही हूँ इस टाइप का ब्रश, ये फ्लैट एंगुलर ब्रश है और मैं ले रही हूँ ब्लैक शेड, अपने इस एरिया पे प्लेस करूँगी लाइक अ लाइनर। अब इसे थोड़ा स्मच कर दूंगी। अंडर आइज के लिए मैं ब्लैक शेड ही ले रही हूँ पहले तो। अब आ जाते हैं इस तरह के कुछ ब्रश पे, मतलब इस तरह का एक मैंने बड़ा एंगुलर ब्रश लिया है, क्लीन ब्रश है। इससे मैं क्या कर रही हूँ, बेस ले रही हूँ और अपने जो ये एरिया हैं दोनों इनको एक शार्प एज दे रही हूँ। अब अगेन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर देंगे। अब आ जाते हैं आईलाइनर पे। आईलाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का आईलाइनर। Now I'm going to use Mion mascara.
अपनी लॉयलेस को भी। एंड द लास्ट वन इज लिपस्टिक, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मिस एड्स की लिपस्टिक। मैं यूज कर रही हूँ लिप प्रो का न्यूड शेड। सो हेयर इज माई फाइनल लुक।